नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गन्ने की फसल के अंदर थ्रिप्स का सफाया कैसे करें, यानी कि गन्ने की जो फसल है उसके अंदर जो थ्रिप्स हो जाती हैं उनको ख़त्म कैसे करें ताकि हमारा जो गन्ना है उसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहे और जो हमारे जो पैदावार है उसके ऊपर असर ना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये पता कैसे लगाएं कि थ्रिप्स हो चुकी हैं या नहीं। तो जैसे कि आपके सामने ये गन्ने की कुछ फ़ोटोज़ हैं, इसके अंदर क्या हुआ, ये जो पत्ते हैं आप देख रहे हो बिल्कुल आगे से पतले हो चुके हैं, बिल्कुल जैसे धारदार होते हैं, लेकिन ये जो है मुड़ जाते हैं, मुड़कर जो है अंदर की तरफ चिपक जाते हैं। तो जब आप इन पत्तों को खोलेंगे तो खोलकर जिसमें आप देखेंगे इनके अंदर जो है आपको एक काले काले छोटे छोटे आपको कीट दिखाई देंगे, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, कुछ इसी प्रकार के ये कीट होंगे, यही थ्रिप्स है। ये पौधे की पत्तियों से जो रस है उसको चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है पौधे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और जो बढ़वार है, जो ग्रोथ है, वो काफ़ी हद तक जो है प्रभावित होती है, यानी कि रुकने लगती है। अब अगर हम बात करें यदि हम इनकी रोकथाम नहीं करें तो क्या होगा, अगर आप इनकी रोकथाम नहीं करेंगे, इनको ख़त्म नहीं करेंगे, तो आपकी जो फसल है उसकी बढ़वार नहीं होगी और आपका जो उत्पादन आपको मिलना है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि जो फसल है वो काफ़ी हद तक बर्बाद हो जाए जिससे आपको उत्पादन ना के बराबर मिले। कई बार ऐसे केसेज भी देखने को मिलते हैं। यहाँ तक तो हमने इनको ढूंढने की और इनकी पहचान की बात की, अब हम बात करेंगे कि आखिर इनकी रोकथाम कैसे करें या फिर इनका सफाया जो है वो कैसे करें। तो इसमें हम जो है दो केमिकल्स की बात करने वाले हैं, दो कीटनाशकों की बात करने वाले हैं, जिनमें से एक सिस्टमिक होगा और एक होगा कॉन्टैक्ट वाला। तो आपको लेना है फिप्रोनिल 40% और जो इमिडाक्लोप्रिड जो है वो भी 40% WDG फॉर्म या फिर WG फॉर्म के अंदर हम इसको कह सकते हैं कि आपको लेना है। अब जो ये इमिडाक्लोप्रिड है ये है सिस्टमिक, यानी कि ये पौधे पर जब इसका छिड़काव होगा तो ये पौधे के अंदर जाएगा और जहाँ जहाँ पर पौधे के अंदर कोई भी कीट होगा ये अपने आप उनके अंदर चला जाएगा और उनको मार देगा। दूसरा जो फिप्रोनिल है हमारा, ये काम करेगा कॉन्टैक्ट वाले तरीके से, यानी कि जिस कीट को ये लगेगा या फिर जिस कीट के ये अंदर चला जाएगा ये उसको मारेगा। तो इस तरीके से हमारा काम होने वाला है। अब आप लोग क्या बोलेंगे, मुझे पता है ज़्यादातर किसान भाई बोलेंगे कि अब इनका कोई प्रोडक्ट बताओ जिनके अंदर ये दोनों मिले। वैसे तो अलग अलग कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर आपको ये दोनों ही टेक्निकल या फिर केमिकल हम बोल सकते हैं आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ फेमस प्रोडक्ट बता देता हूँ जिनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर किसी और कंपनी का कोई और प्रोडक्ट हो, बहुत सारे हैं जिनके अंदर ये दोनों हैं, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप जैसे कि घरडा कंपनी का पुलिस आता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दूसरा आता है बायर का लेसेंटा, वैसे और भी बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, या फिर आप इन दोनों जो टेक्निकल हैं, जो इमिडाक्लोप्रिड 40% WG फॉर्म है और जो हमने बताया था फिप्रोनिल 40% वाला, आप इनको अलग अलग भी ले सकते हैं और इनको जो मिक्स करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डोज की, कितनी जो डोज है वो रहने वाली है और कैसे इनको देना चाहिए। तो जो डोज है वो तकरीबन 200 ग्राम जो है प्रति एकड़ के हिसाब से रहने वाली है। यूज करना है आपको स्प्रे के माध्यम से, यानी कि जो स्प्रे टैंक है तकरीबन 20 लीटर का जो स्प्रे टैंक है, यानी कि 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से आपको जो डोज है वो लेनी है और 1 एकड़ के अंदर कम से कम आपको जो है 200 लीटर पानी जो है ज़रूर लेना है, क्योंकि अच्छा रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो अच्छे से जो स्प्रे है वो होना चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तकरीबन मेरे ख्याल से जो 10 टैंक हैं वो होने वाले हैं 20-20 लीटर वाले, जिसके अंदर आप जो 20-20 ग्राम का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं, जिससे आपकी 200 ग्राम जो है दवा जो है यूज़ होगी। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। मैं कामना करता हूं कि आपका आज का दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।